देशभर में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के तमाम लोग अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु पूर्णिमा पर बधाई दी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान मिलना असंभव है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर गुरुओं को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर लैंड परचेज की बैठक हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा में ये बैठक की गई है, चंडीगढ़ में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की ये बैठक हुई है। बैठक में चार जिले जिंद, रोहतक, करनाल और पानीपत में चार परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति के साथ ई भूमि के जरिए 29.19 एकड़ भूमि खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर करीब 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ HPCC की बैठक की है और इस बैठक में किसानों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जिले इसमें शामिल हैं।